नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली स्टॉक की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे के लिए दो बेस्ट स्टॉक बताने वाला हूं, जिनमें आपको अगले दिन एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप वीडियो बने रहें। उससे पहले मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो जो दो स्टॉक दिए थे, पहले हम उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसके बाद मैं आपको दो स्टॉक बताऊंगा कल वेडनेसडे के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में मैं उसमें भी कुछ इंट्राडे की अच्छी कॉल पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकें और काफ़ी बेनिफिट ले सकें। मैं आपको बता दूं, मेरे जो भी कॉल होते हैं, चाहे मेरी यूट्यूब वीडियो की कॉल हो या मेरी टेलीग्राम चैनल की कॉल हो, सभी कॉल्स कैश अवेलेबल होते हैं, कोई फ्यूचर अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आप इनको वॉच करते हैं तो आप कैश के चार्ज पर ही वॉच करें। सभी कॉल्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देता हूँ, मेरे इनमें आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं होती है। तो कृपया कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर करें। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक था लाल पैथ लैब का, लाल पैथ लैब को मैंने आपको बाई दिया था 1392 के ऊपर। तो इस स्टॉक ने ओपन किया है 1395 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने 3 पॉइंट गैप अप ओपन किया, उसके बाद स्टॉक यहीं से नीचे डाउन आ गया। तो इसने यहाँ पर भी सस्टेन भी जरा सा नहीं किया, तो इसमें हमारी बाई कॉल एक्टिवेट नहीं हुई। और अगर बात करूँ सेल साइड की, मैंने आपको इसको सेल दिया था 1380 के नीचे। तो यहाँ पर इसी कैंडल में हमारी नीचे आकर इसमें सेल कॉल एक्टिवेट हुई। इसमें हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 1370 का, सेकंड टारगेट था 1360 का। तो यहाँ पर इसमें हमारी फर्स्ट टारगेट हिट हुआ और आगे जाकर इस स्टॉक ने लो लगाया 1361 का, ऑलमोस्ट इसमें हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको लाल पैथ लैब में सेल साइड में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो दूसरा स्टॉक था उसकी मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों, हमारा जो दूसरा स्टॉक था गोदरेज प्रॉपर्टी का, गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने आपको बाई दिया था 1000 के ऊपर। तो यहाँ पर इस स्टॉक ने हमारे बाई कॉल को एक्टिवेट किया, हाई लगाया 1004 का, 4 पॉइंट का मूवमेंट इसमें देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक यहाँ से रिवर्स आ गया और आके जाकर इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। अगर बात करूँ सेल साइड की, मैंने आपको इसको सेल दिया था 990 के नीचे। तो इसमें हमारी सेल कॉल एक्टिवेट नहीं हुई, इसने लो लगाया 990.05 का, इसने 990 को भी ब्रेक नहीं किया, जबकि मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया था अगर इसको ब्रेक करेगा तभी आपको इसमें एंट्री करनी है। यहाँ जाकर इसमें हमारी सेल कॉल एक्टिवेट हुई, इसने इसको ब्रेक किया, लो लगाया 982 का, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट था। इसने इसको फर्स्ट टारगेट को काफ़ी आसानी से हिट कर दिया। आगे जाकर इस स्टॉक ने यहाँ पर लो लगाया 975 का, ऑलमोस्ट इसमें हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको दोनों स्टॉक में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर आपने इस स्टॉक में जरा से भी पेशेंस दिखा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये थे दोनों स्टॉक। अब चलिए देखते हैं मैंने आपके लिए जो दो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वेडनेसडे के लिए, वो कौन से हैं, उनकी मूवमेंट आपको कैसे देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है वह है स्कॉट का। देखिए, स्टॉक ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, स्टॉक ने एक अच्छा हाई लगाया, इसके बाद स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया और यहाँ पर भी इसने अपने रेजिस्टेंस के पास ही बिल्कुल क्लोजिंग दी हुई है। तो अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अपसाइड में निकलता है, तो इसको हम बाय करेंगे 633 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 627 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 638, सेकेंड टारगेट होगा 642, माफी चाहूंगा 643, अंतिम टारगेट होगा 648 का। अगर स्कॉट अपनी सपोर्ट को, जो कि अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे की साइड में निकलता है, तो इसको सेल करेंगे 626 के नीचे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 632 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 621, सेकेंड टारगेट 616, अंतिम टारगेट होगा 611 का। दोस्तों, अगर आपको भी मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड होना है, जहाँ पर आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे की अपडेट मिलती रहे, आपको मेरा पूरा सपोर्ट मिलता रहे, आपको कुछ इंट्राडे की कॉल्स मिलते रहे, तो उसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको आप स्टॉक और जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिलेगा। दोनों में से आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आपको मेरे पर्सनल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पहले आप अकाउंट ओपन कर लें उस लिंक के थ्रू, उसके बाद आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँ। दोस्तों, हमारा जो दूसरा अंतिम स्टॉक है वो है जसडायल का। जसडायल ने एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करता है, किसी भी साइड में निकलता है, चाहे वो अपसाइड या डाउन साइड में, एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना कि आपको इसमें एंट्री तभी करनी है जब स्टॉक थोड़ी देर सस्टेन करेगा उस प्राइस के ऊपर या नीचे। तो जसडायल को हम बाई करेंगे 582 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 576 का। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 587, सेकंड टारगेट होगा 592, अंतिम टारगेट रहेगा 597 का। अगर जसडायल नीचे क्यों निकलता है, तो उसको हम सेल करेंगे 574 के नीचे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 580 का। हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ 569, सेकंड टारगेट 564, अंतिम टारगेट हुआ 559 का। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।